स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है मात्र है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ अनंत एक गुणाधिपतियक देव हूँ अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला श्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं राग की दीवार के अनंत परमाणु तो अत्यंत दूर राग के विकल्प के चित्र विचित्र तरंग रूप ये भाव ये भाव भी अत्यंत दूर क्षयोपम ज्ञान की तरंगे भी अत्यंत दूर ज्ञान के बहते सहज प्रवाह में जो प्रवाहित नहीं होता और ध्रुव सत्ता मात्र टिककर रहता है यही मैं हूं ऐसा निर्णय पर्याय में होता है पर्याय में द्रव्य का निर्णय होता है पर्याय में अनुभव होता है पर्याय में वेदन होता है पर्याय में स्व संवेदन होता है फिर भी लक्ष्य द्रव्य का है लक्ष्य की अपेक्षा से यह कहते हैं कि मैंने द्रव्य का अनुभव किया वास्तव में पर्याय में पर्याय का अनुभव हुआ ये प्रति समय ज्ञान में पर्याय अनुभव में आ रही है वर्तमान की ज्ञान की अवस्था ही ज्ञान में जानने में आती है यह प्रकाशित तो हो रही है ज्ञान की वर्तमान की अवस्था और उस वर्तमान की ज्ञान की अवस्था में चित्र विचित्र प्रज्ञे की कल्पना करके यह मान करके कि यह प्रज्ञे ये यहाँ है मुझे प्रज्ञेयों का अनुभव हो रहा है परज्ञे ये यहाँ है ऐसी मान्यता से कल्पना से दुख अनंत काल से भोगा है अनंत दुख को भोगा, अनंत दुख को भोगने पर भी अनंत दुख भी ज्ञान की का ज्ञेय ही रहा अनंत दुख को भोगने पर भी वह भोगना भी ज्ञान में नहीं हुआ वह भोगना भी ज्ञान में नहीं हुआ अनंत अनंत काल का जो मिथ्यात्व वह मिथ्यात्व भी ज्ञान में न मिला यदि मिथ्यात्व ज्ञान में मिल गया होता यदि मिथ्यात्व स्वरूप में मिल गया होता तो स्वरूप की शुद्धता की निर्विकल्प अनुभूति हो ही नहीं सकती भगवान इसका रहस्य थोड़ा समझने जैसा है अनंत काल में अनंत पर्याय ये मिथ्यात्व और राग द्वेष की पर्याय जैसे अनादिकाल से ये विकार के भाव उत्पन्न होते थे वर्तमान में चार बजे जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तब चार बजे की वर्तमान की पर्याय में जो दृष्टि में आया ये दृष्टि में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि में आया भगवान आत्मा की नित्यता दृष्टि में आते ही उस नित्य ध्रुव शुद्ध चैतन्य सत्ता में मिथ्यात्व को नहीं पाया यदि भूतकाल में जितनी भी विकार की पर्याय उत्पन्न हुई है वे विकार की पर्याय यदि भगवान आत्मा में मिली होती तो भगवान आत्मा का स्वरूप जब त्रिकाल स्वरूप त्रिकाल में भूतकाल आया वर्तमान और भविष्य तो भूतकाल का जो अनंत अनंत काल जो भूतकाल वो भूतकाल में हुए विकार के भाव यदि द्रव्य की स्वच्छता में शुद्धता में मिले होते तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जो दृष्टि में आया ये शुद्ध दृष्टि में नहीं आता ध्रुव ज्ञायक देव दृष्टि में शुद्ध आया एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा की ज्ञान की निर्मल पर्याय में ज्ञान की निर्मल पर्याय में ज्ञायक देव प्रतिबिंबित हुआ निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान तत्व विचार चलता था अनंत तीर्थंकर परमात्मा अनंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति चल रही थी अनंत तीर्थंकर परमात्मा की निर्विकल्प दशा अनंत सिद्ध परमात्माओं की निर्विकल्प दशा पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति ये अनंत सिद्ध परमात्माओं की पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति से निज चैतन्य परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति बेहतर है और परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति से निज परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति बेहतर है इतना ही नहीं पर परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति से निज परमात्मा संबंधी जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वह विकल्प भी बेहतर है विकल्प बेहतर है इसलिए क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व मैं चैतन्य परमात्मा हूं यह विकल्प है इसी विकल्प की यात्रा से आगे जाकर निर्विकल्प होगा पर परमात्मा की निर्विकल्प अनुभूति मेरी निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा में बीच में नहीं आती इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व असंख्य समयों तक जो चैतन्य तत्व विचार चलता है लब्धि के परिणाम में और होता क्या है एकमात्र चैतन्य तत्व विचार चैतन्य 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 और यहां तक कि ये पर से जुदा ये राग से जुदा ये विकल्प से जुदा ये गुण भेद से जुदा ऐसा नहीं मात्र चैतन्य 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 ये स्वरूप का विचार ऐसा विचार दृष्टि पूरी चैतन्य पर है और ये तत्व विचार चलता है उस तत्व विचार से ही मिथ्यात्व के जो कर्म है मिथ्यात्व की जो प्रकृति है उस पर हथोड़ा पड़ता है ये मिथ्यात्व की प्रकृति खंडित होती है ढीली होती है और एक समय ऐसा आता है कि उपयोग सहज अंतरमुख होता है उपयोग अंतरमुख होता है अकर्ता भाव प्रकट होता है चार बजे उपयोग भगवान आत्मा में स्थिर हुआ उपयोग अंतर में लेकर के नहीं गया कि लाव में भगवान आत्मा में ये उपयोग को अंदर ले जाओ इसलिए उपयोग ढलता है उपयोग सहज ही अंतर में ढलता है कोई कर्तृत्व नहीं कोई कर्तृत्व नहीं वरना अनंत काल का कर्तृत्व ये भारी पड़ेगा कि मैं उपयोग को अंतर में लेकर के जाता हूं कुएं का पानी कुएं में ही रह गया सिर्फ बाहर जो उछलता था मोटर चालू थी और वह बाहर जो उछलता था वह उछलना बंद हो गया अंतर का वैभव अंतर में ही समा गया यही पर ही प्रति समय यह जागृति ये ज्ञान की निरंतर बहती धारा में ज्ञान मात्र पर दृष्टि ये ज्ञान मात्र पर दृष्टि के टंकी में वहां पर पांच नल लगे हैं मगर पांच नल में से पानी बहता हो भले ही ये दिखाई देता हो कि नल में से पानी बहता है नल में से पानी आ रहा है नल में से पानी आ रहा है मगर पानी 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 में से आ रहा है टंकी में जो पानी है वो पानी में से ही पानी आ रहा है ये पांच इंद्रियों में से ज्ञान का प्रवाह बहता दिखे मगर सत्य यह है कि ज्ञान 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 ये जो प्रवाह बहता है और वहां भेद नहीं होता भगवान तत्व विचार की धारा में फिर आंख के निमित्त से कुर्सी को देखा कान के निमित्त से शब्द को सुना ये देखने और सुनने की ये इंद्रियों की क्रिया हो मगर अंतर में ऐसा जानना 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 जहां है पानी का प्रवाह बहा पानी बहा कौन से नल से बहा वह विकल्प ही नहीं पानी का निरंतर ये प्रवाह जैसे बहता हो ऐसे ही निरंतर जानना जानना होता हो इसलिए उस जानने में खंड नहीं है निरंतर, निरंतर, निरंतर इस ज्ञान के प्रवाह में खंड नहीं यदि ये विकल्प हो कि आंख से जानना हुआ और फिर कान से जानना हुआ तो दो भेद होंगे आंख वाला कान वाला मगर इंद्रियों का विकल्प ही नहीं और मात्र ज्ञान का जानने रूप सहज परिणमन उस परिणमन में विकल्प नहीं ऐसी ये दृष्टि कि कौन सा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है कौन सी इंद्रिय वहां निमित्त बनती है दो में से कोई भी विकल्प नहीं और ज्ञान का प्रवाह जैसे वो मस्ती है नदी के पानी के बहते प्रवाह की एक गांव दूसरा गांव तीसरा गांव जो गांव किनारे पर बसे हैं और किनारे पर जो गांव बसे वो नदी का प्रवाह बहता है दुनिया ये कहती नदी यहां तक बहती बहती पहुंची है अभी इस गांव से नदी बहती आगे गई नदी में पूर आया नदी में पूर आया ये नदी बहती है मगर गांव में नदी गई नहीं है नदी गांव के अंदर नहीं गई ये पांच इंद्रियों का ये जो नगर है ये नगर के पास में ये ज्ञान की धारा बहती है ये नगर में नहीं गया ये पानी पानी नगर में गया ही नहीं और एक महत्वपूर्ण बात भगवान कि जैसे वो पानी का प्रवाह बहता है वो पानी का प्रवाह वो गांव में नहीं गया मगर पानी के प्रवाह को पता भी नहीं है कि गांव कहाँ है पानी के प्रवाह को विकल्प ही नहीं है उस गांव का वह तो ओ ऐसी पानी के प्रवाह की भांति ये ज्ञान का जानना 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 काल का भेद ही नहीं सुबह दोपहर शाम रात ये सब बाहर बाहर वह सब किनारे पर इसलिए तारीख समय ये सब भेद नहीं इसलिए बाहर में वहां कोई भी काल हो कोई भी क्षेत्र हो वहां का विकल्प नहीं उस समय स्वरूप पर दृष्टि स्वरूप पर दृष्टि है कहा राजमहल में बैठा है दोपहर में बारह बजे है ये रसगुल्ला जीप पर आया तब राजमहल में मैं बैठा हूं ये विकल्प आए तो मिठास के रस को नहीं भूख सकता अभी घड़ी में बारह बजे ये विकल्प आए तो ये सत्य है कि वो राजमहल में है ये सत्य है कि घड़ी में बारह बजे है मगर जिस समय वहा अनुभव हुआ बारह बजे है वहां दो काटे अभेद हुए मगर यहाँ ऐसा चैतन्य परमात्मा का निर्विकल्प अनुभव की पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हुई बारह बज गए लोक में कहते हैं उसके बारह बज गए गया वो मर गया जीवन बदल गया उसकी बाजी ही पलट गई द्रव्य और पर्याय अभेद होते हैं तब बाजी पलट गई जीवन पलट गया जीवन क्या पलट गया जीवन की शुरुआत हो गई चैतन्य जीवन की अनुभूति भगवान हे ज्ञान दीपक हे चैतन्य परमात्मा ये जागृति ज्ञान के प्रवाह में इंद्रियों का विकल्प नहीं निरंतर ये तत्व विचार उस समय जो इंद्रियों के विषय जो ज्ञान में जानने में आएंगे उस समय जो भोगने की क्रिया होगी उसमें जो सुख बुद्धि है वो थोड़ी मंद होगी होगी ऐसी वो रस पहले जैसा नहीं आएगा तत्व विचार करते ही। वो रस पहले जैसा नहीं आ सकता जैसे अनित्यता का तुम विचार करो हलवा थाली में आया कि उस समय ही तुम्हें वो हलवे का रूप अभी थोड़ी देर में वो विस्टा के रूप में होगा ये परमाणु ऐसा तुम्हारे अंदर विचार चले फिर तुम्हें वह रस न रहेगा मगर इससे अनुभूति नहीं होगी इससे अनुभूति नहीं होगी कि ये हलवा अभी हलवा है और अभी थोड़ी देर बाद विस्ता होगा ऐसा विचार मुझे चलता है और हलवा खाते खाते ये उसे विस्टा के रूप में देखते देखते कि अरे ये परमाणु मैं कहा सु निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी निर्विकल्प अनुभूति पर के विचार करते करते नहीं होती निर्विकल्प अनुभूति चैतन्य तत्व विचार करते करते होती है इसलिए निरंतर चैतन्य 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 निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो अंतिम विकल्प है वो अंतिम विकल्प चैतन्य और यह चैतन्य हूं यह विकल्प भी गिर गया कि सहज प्रत्यक्ष दर्शन होता है आंख में जो कण था वह कण गिर गया कि पहाड़ का दर्शन होगा वह कण भी बाधक बनता था वह कण जैसे ही हटा छोटा सा कण हट गया कि विराट पर्वत का दर्शन होगा विराट पर्वत का दर्शन अनादि अनंत में चैतन्य परमात्मा भगवान ऐसा चैतन्य तत्व विचार अनंत परमाणुओं में ज्ञान की ये जानने जानने रूप यात्रा होती ही नहीं ज्ञान को कोई लेना देना नहीं कि कौन से गांव इसलिए हो ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है जो जानना 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 होता है वो निर्विकल्प होता है जैसे केवली भगवान का जानना निर्विकल्प है ऐसे ही निगोदिया का जानना भी निर्विकल्प है और जानना निर्विकल्प है उस ज्ञान की पर्याय उस जानने का प्रवाह उस प्रवाह के अंदर तो विकल्प है ही नहीं इसलिए अज्ञानी की ज्ञान की पर्याय हो तो भी वो विकल्प से ज्ञान की पर्याय नहीं होती क्योंकि विकल्प ज्ञान की पर्याय में है ही नहीं और विकल्प ज्ञान की पर्याय में भी नहीं एक समय की ज्ञान की पर्याय में विकल्प नहीं तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व ऐसा हो 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 ऐसा भगवान कि जो विकल्प वर्तमान की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है एक समय का विकल्प एक समय की ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता और वह विकल्प ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय बना वह विकल्प ज्ञान की पर्याय में जानने में आया मगर वह विकल्प वह विकल्प ज्ञान की पर्याय में नहीं आया पर्याय में कहा हो ये ज्ञान की पर्याय में वह विकल्प नहीं आया एक समय की ज्ञान की पर्याय जिस पर्याय में ये विकल्प को जानने रूप ये जो परिणमन हुआ विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में भी विकल्प नहीं जाता तो जो ध्रुव चैतन्य सत्ता जो विकल्प को जानने भी नहीं जाती ध्रुव चैतन्य सत्ता नहीं जानती ध्रुव चैतन्य सत्ता नहीं जानती क्योंकि जानना ये परिणमन है ये प्रवाह है ये पर्याय है ये दशा है स्थिति है हालत है ये एक समय का वह रूप है वो एक समय की पर्याय जिस पर्याय में विकल्प प्रतिबिंबित हुआ ऐसा भेद विज्ञान चलता है ऐसा भेद विज्ञान कि बोलने का विकल्प आया वो विकल्प ज्ञान की पर्याय में जानने में आया मगर वो एक समय की ज्ञान की पर्याय की निर्मलता वो विकल्प के कारण वो निर्मलता में मलिनता नहीं आई वो विकल्प के कारण ज्ञान की पर्याय में भगवान मलिनता नहीं आई और जो पर्याय में भी मलिन नहीं हुआ वो पर्याय में मलिन नहीं हुआ पर्याय में भी मलिन नहीं हुआ ज्ञान का ऐसा परिणमन ज्ञान में ऐसा सहज परिणमन है जानना 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 इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक कहा ये ज्ञान से ज्ञायक तक उंगली पकड़ ली और पूरा व्यक्ति पकड़ में आ गया ये ज्ञान 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 के प्रवाह में उस सत्ता को विकल्प नहीं निरंतर परिणमित तो होती ये पर्याय जानना जानना निरंतर परिणमित तो हो रहा है मगर निरंतर परिणमित होते जानने रूप प्रवाह में अनित्य प्रवाह में अनित्य प्रवाह में अनित्यता का विकल्प ही नहीं ऐसा स्वरूप है अनित्यता है मगर अनित्यता का विकल्प नहीं वहां स्वरूप पर यह ज्योति जो डोलती है हवा के निमित्त से ज्योति डोलती हो वो अग्नि डोलती हो वह डोलती अग्नि वो तो अनित्य है मगर जिस समय उस डोलती अग्नि में हाथ लगा कि जब हाथ छूता है उस समय ये डोलती ये विकल्प नहीं होता उस समय गर्म है बस ऐसा अनुभव उस समय उसका डोलना बंद नहीं हुआ डोलना तो होता है मगर डोलने का विकल्प नहीं है पर्याय का निरंतर जानना 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 यह परिणमन होता है मगर उस परिणमन में परिणमन का विकल्प नहीं और उस परिणमन में व्याप्त जो ध्रुव चैतन्य स्वभाव उस स्वभाव पर दृष्टि इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है हे चैतन्य परमात्मा ऐसी अनुभूति हो फिर तुम कहीं पर भी हो ऐसी दशा हा ऐसा हो हो पहाड़ पहाड़ मगर पहाड, पहाड़ से ऐसा वह दृश्य बादल बनते हो बादल बनते हो बादल बरसते हो पहाड़ से पानी बहता हो वो पहाड़ से पानी जैसे बहता हो और तुम आकाश में विचरण करते हो पंछी जैसे आकाश में उड़ता हुआ इस दृश्य को देखता हो ऐसे ही ज्ञानी देखते हैं करुणा के भाव के बादल बनते हैं आंसू के रूप में बरसते हैं ये देह के पहाड़ से वो बरसात होती हो आंसू की यह करुणा का भाव ज्ञानी को भी आता है परम कृपालु देव को तो लौकी की सब्जी का वो छिलका लौकी का निकलता मां लौकी के छिलके को निकाले की आंख में से आंसू टपकते। जीव जीव है यदि मेरी चमड़ी यहां थोड़ी भी छिलती है तो कैसा होता है थोड़ी भी चोट लगती है तो कैसा लगता है एक समय के भोजन के लिए ये एक की चमड़ी ऐसे निकल रही है मुंबई में जवेरी बाजार में ये पृथ्वी का एक जीवों के मुर्दे ये बाजार में वह ये पृथ्वी का एक जीवों के मुर्दे मैं शमशान में कहा हूं यहाँ देव की वह दशा कि जब वह छिलका वहा लौकिक में से उतरता हो आंख में से आंसू बहते हो करुणा के बादल बरसते हो पहाड़ से पानी नीचे की ओर जाता हो आंख में से मगर पंछी जैसे इस दृश्य को देखता हो छुए बिना ऐसे ही ये दृश्य ज्ञान दर्पण में सहज ही ये देह और आंसू और करुणा के बादल को छुए बिना प्रतिबिंबित तो होता है और वह पक्षी की यात्रा अटकती नहीं वो पहाड़ के कारण वो पंछी अटक नहीं जाता भगवान ऐसी दशा ऐसी दशा कि वहां स्पर्श ना नहीं इसलिए ज्ञानी जो अस्पर्शी है इसलिए ये देह ये देह के परमाणु को मैं स्पर्श नहीं करता इसलिए जब गर्म पानी में हाथ लगता है तब ठंडे को मैंने स्पर्श किया ऐसा नहीं स्पर्श किया इसमें तो चमड़ी का विकल्प हुआ यह तो ठंडा मात्र ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ और ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आया ये गुरुदेव की पुकार है ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार पंचम काल में भगवान ये कलयुग में कलयुग का एहसास नहीं होने दिया और ये पुकार सुनने को मिली ये यहाँ पर ही तीर्थंकर परमात्मा का विरह एक समय के लिए है ही नहीं तीर्थंकर का विरह नहीं है तीर्थंकर से भी महान कोई मिल जाए तो तीर्थंकर का विरह ये तीर्थंकर भगवान का विरह अब खटकेगा कैसे तीर्थंकर भगवान का विरह अब हमें नहीं खटकता क्योंकि तीर्थंकर से भी महान सिद्ध परमात्मा है मैं सिद्ध परमात्मा हूं यह अंतर में देखा कि तीर्थंकर बाहर में नहीं है उसका विरह अब नहीं खटकता ऐसी दृष्टि ऐसी दृष्टि भगवान हे ज्ञान दीपक हे चैतन्य परमात्मा शरीर तो है ही नहीं जहां सहज प्रवाह बहता है ऐसे ज्ञान के प्रवाह में ये देह नहीं पहाड़ में परमात्मा नहीं पर्वत पर परमात्मा का वास नहीं ऐसी ये दशा परमाणु परमाणु में भेद ही न दिखे दो परमाणु में भेद करने वाला भाव ही मिट जाए ऐसी दृष्टि ऐसी दृष्टि, सब में ध्रुव सत्ता को देखता है तो ध्रुव सत्ता में न ये वस्त्र है न ये देह है न ये राग है जिसने ये देखा कि राग का विकल्प भी ज्ञान में जानने में आता हो राग का विकल्प ज्ञान में जानने में आता होने पर भी ज्ञान के प्रवाह में वो कहीं पर भी करता नहीं बनता वो करता बनता नहीं उसको पता ही नहीं है ज्ञान का परिणमन कहाँ हो रहा है वो विकल्प क्या करता बनने आए ज्ञान के परिणमन में वो जड़ चेतन के परिणमन का कर्ता कैसे बने वो जड़ चेतन के परिणमन में कैसे आए त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये द्रव्य ये देव ध्रुव चैतन्य परमात्मा यह भी ज्ञान की पर्याय के परिणमन में कर्ता बनने नहीं जाता जो चैतन्य परमात्मा है वो चेतना की पर्याय का कर्ता नहीं बनता तो जड़ विकल्प जो है जो कर्म के उदय के निमित्त से प्रभाव ये जड़ ज्ञान के परिणमन के कर्ता कैसे बने इसलिए ऐसा भेद विज्ञान होता है ज्ञानी को कि ये जो विकल्प आया विकल उस समय ऐसी धारा चलती ऐसी धारा चलती ऐसी धारा चलती है भगवान ऐसी ज्ञान 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 की धारा उसको तो मिलता हुआ देखता ही नहीं विकल्प हुआ न कि अलमारी खोलो अलमारी में सार शास्त्र कहां रखा है है या नहीं ये विकल्प उत्पन्न हुआ यह जानने का विकल्प उत्पन्न हुआ और जैसे यह जानने का विकल्प हुआ अलमारी खोली अलमारी खोल करके वहां समय देखा वो विकल्प था देखने का देखने का विकल्प हुआ और समय सार ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ एक ही समय में ये दोनों धारा जिन्हने अलग अलग देखी समय सार है या नहीं लाव में देखू ये देखने का विकल्प और समय सार का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना उस विकल्प को देखा ये जड़ का परिणाम और ज्ञान में जो जानने रूप जो प्रतिबिंब पड़ा है वह चेतन का ऐसे ही एक नहीं ऐसे ही प्रति समय विकल्प उत्पन्न होते और प्रति समय उत्पन्न होते विकल्प में यह जागृति है भगवान ये जागृति है ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भाव मुनिराज वन विहारी संत भगवान व दशा आएगी न पंचम काल है मगर मुनि है न पंचम काल में है वन में विचरण करते हुए मुनिराज ये राग की दीवार ये पृथ्वी का वैभव पृथ्वी को लौटाने को तैयार हो गए ये राग की दीवार जो कुछ परमाणु प्रकृति से उधार लिए थे जब प्रकृति उस उधार परमाणु को वापिस मांगे तो मैं दुखी क्यों हो ये प्रकृति यदि उन परमाणु को मांगे कि बस बहुत हुआ तुम्हारे चैतन्य महल के पड़ोस में परमाणु इतने दिन ही थे बस तुम्हारे पड़ोस में इतने परमाणु थे उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका अनुबंध समाप्त हुआ उस पूर्व मुनि धर्म उस पूर्व मुनि दशा प्रकट हो भगवान मगर मुनि दशा में वहां सहन करना नहीं होगा हो साप आएगा साप आए सांप आकर के ऐसा हो जहरीला सांप, और सांप आकर के ऐसे मिले और काटने आए और डंस मारा, डंसा है डंस डंसते ही मुनिराज की वह दशा ऐसे मुनि ही मुनि है यही मुनि है सांप डसा और साप का जहर मेरे अंदर नहीं जाएगा क्यों मानते हैं क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में जो ज्ञायक स्वरूप में डुबकी लगती है हर अंतर मुहूर्त में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में उपयोग अंतर्मुख होता है उस स्वरूप में ऐसा हो शास्त्र लिखने का विकल्प आया न तो ऐसे शास्त्र लिखने का विकल्प चल रहा था शास्त्र लिखते थे और शास्त्र लिखते लिखते ही वो काटा एक और रखो ठीक तरह से ये पत्ता बिल्कुल एक और रखो ठीक तरह से वरना उड़ जाएगा उसके ऊपर कुछ और रखो ये विकल्प मुनि को नहीं होते ये विकल्प नहीं होते भगवान वो तो लिखते लिखते ऐसा अंतर में भेद विज्ञान और चिंतन की सहज धारा चलती थी ना उससे ही उपयोग अंतर्मुख हो गया सब छूट गया उसे कहते हैं इसलिए ऐसा कहते भगवान की पूजा करते हैं ये भगवान की पूजा ऐसा मुट्ठी में बंद करके ये चावल लेके जाते हैं ने अक्षतम निर्व स्वा स्वाहा अर्घ चढ़ाते हैं अर्घम निर्व स्वा स्वाहा ये मुट्ठी में बंद है ये मुट्ठी में चावल बंद है और भगवान के सामने जा के आदिनाथ भगवान मैं आपको ये अर्घ चढ़ाता हूं अर्घ चढ़ाता हूँ चावल चढ़ाता हूं अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम पामी स्वाहा ऐसा चावल चढ़ाता हूं यह अज्ञानी का और ज्ञानी धर्मात्मा की वह दशा चावल तो है हाथ में मुट्ठी में चावल है परमात्मा के दर्शन होते हैं, पूजा होती है ऐसा तत्व विचार की जो परमात्मा ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है इस ज्ञान की पर्याय में भी तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा त्रिकाल सत्ता स्वरूप है यही में ऐसा यही यही तत्व विचार चलता है और जो हाथ है ना वो हाथ तो वहां ऐसा था पता नहीं रहता हाथ ऐसे ही मुट्ठी छूट जाती खुल जाती है और वो चावल नीचे गिर जाते हैं वो जो दशा है नवकार मंत्र वो अंत में नौ बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, कायोत्सर्ग करते वो तो एक नाटक है खड़े रहने का वास्तव में वो मुद्रा है कि चावल हाथ में थे मगर गिर गए और हाथ सीधे हो गए उपयोग अंतर्मुख हो गया काया का उत्सर्ग हो गया ये पूजा हो गई ये इसे कहते ये चावल चढ़ाए ये चावल चढ़ाना ये पूजा सार्थक हुई चावल कहाँ गिरे ये महत्वपूर्ण पेटी में गिरे या नीचे गिरे मुट्ठी बंद थी और यह तत्व विचार चलता था और तत्व विचार करते करते अकर्ता हो गया और वह चाचा हा चा, ऐसा भगवान आत्मा ये आदिनाथ भगवान को चावल चढ़ाना था और अनादिनाथ को पर्याय चढ़ा दी ऐसी निर्विकल्प अनुभूति वो दर्शन सफल हुआ ऐसे ही हे चैतन्य परमात्मा ऐसी निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें होगी ये राग की दीवार ये राग की दीवार के परमाणु वन में मुनि होंगे ने मुनि अवस्था में ये राग की दीवार के परमाणु होंगे मुनि तो होंगे मगर सांप का जहर जब आए सांप का जहर आए उससे पहले ये शास्त्र लिखना होता है शास्त्र लिखना होता था कागज पर ताड़ के पान पर वो कोई भी पान हो उस समय ताड़ का पान था अब कोई ताड़ के पान को ढूंढने नहीं जाएगा कि ताड़ का पान होगा वही जो है वह मोर की ही मिले तो ही मुनि धर्म का पालन करूं अब ऐसे सिद्ध परमात्मा की दशा पाने के लिए पूर्णता को पाने के लिए अब मोर की पीछे जब तक नहीं मिलती तब तक मेरा सातवा गुणस्थान कैसे हो उसका इंतजार नहीं करता मुनि तो वह है इसलिए तो बीच में सुना नहीं, पीछ उमा स्वामी। मोर की पीछ नहीं मिली तो गीत के पीछ मिल गए सिर्फ इतना कि वो पीछ ही हो कि जीवों का घात न हो सिर्फ इतना प्रयोजन है मुनि धर्म का स्वरूप ऐसे दृष्टांत एक नहीं कितने दृष्टांत है पंचम काल में अभी भी जब मुनि धर्म अंगीकार होगा तब ऐसा होगा भगवान क्रियाकांड नहीं वो शास्त्र लिखने की जो क्रिया होती तो शास्त्र लिखने की क्रिया और ये विकल्प रख, लिखने का राग का विकल्प लिख करके उस पत्ते को इकट्ठा करने का भी विकल्प नहीं आता पत्ते को इकट्ठा करने का काम भी गृहस्थ का है साधु का नहीं वरना बड़ी गठरी इकट्ठी हो जाए चौरासी शास्त्र लिख करके आचार्य कु गठरी कितनी बड़ी हो जाए तो दो हाथ है एक हाथ में पीछे एक हाथ में कमंडल कौन से हाथ से शास्त्र मुनिराज की वह दशा लिखा वहीं पर ही छोड़ दिया छोड़ दिया वो तो लिखते है उस समय अंतर में नहीं था तो व्यर्थ में ये बुद्धि व्यर्थ में ऐसी पाप के विकल्प में न जाए कि ऐसे विकल्प लाते नहीं है ऐसे विकल्प आए बिना नहीं रहते और ऐसे विकल्प को ज्ञान का ज्ञे देखते हैं और ज्ञान में नहीं मिले ये देख करके फिर ज्ञान स्वरूप में लीन होते हैं ऐसी ही वो धारा बढ़ती जाती है निर्विकल्प दशा निर्विकल्प अनुभूति ये शुद्ध परिणति में जो वृद्धि होती वो ऐसे ही होती मुनिराज की वह दशा शास्त्र लिखने का विकल्प आया भगवान ये शास्त्र लिखने का विकल्प आया और उपयोग अंतर्मुख हुआ मगर वह सांप का जहर अब मुनि के शरीर में भले जाए जाए, तो तो मुनिराज को ये पता भी चले तो जागृति है क्योंकि ऐसा हो अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति में जो भगवान आत्मा अनुभव में आया वो राग से न्यारा तो राग का जो जहर है वो जहर उसमें नहीं तो माना यह है कि मैं चैतन्य परमात्मा जिसमें राग का जहर नहीं है ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा जिसमें राग का जहर नहीं अब वो ऐसा 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 हो ऐसा हो ने काटन तत्क्षण ऐसी जागृति वह दशा तो कैसी दशा होगी साप ने काटा और यह पता चला ये विकल्प उत्पन्न हुआ सांप ने काटा एक काटने की क्रिया एक सांप का जहर शरीर में गया यह क्रिया और सांप का जहर शरीर में गया ये क्रिया का विकल्प ये विकल्प अरे सांप ने काटा यह विकल्प हुआ निर्विकल्प अनुभूति में तो पता नहीं सांप ने काटा सिगड़ी सिर पर रखी या जानवर आकर खा गए मगर ये विकल्प हुआ कि सांप ने काटा उस विकल्प को जिन्होंने जहर देखा वो सांप का जहर तो वहां ये सांप ने काटा ये विकल्प ये विकल्प का जहर ये विकल्प का जहर भी ज्ञान की परियाई में नहीं मिला तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में साप का जहर कैसे मिलेगा ऐसा देव हूं ऐसी जागृति ये आनंद का भोग है भगवान ऐसा मुनिराज मुनिराज साप के जहर से सहन करने वाले नहीं है ये तो जिन्होंने सहन किया है वो कहते हैं मुनिराज तो कितना सहन करते बाईस परिस को सहन करने वाले मुनि बाईस परिषय को सहन नहीं करते बाईस परिषय जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का दर्शन कर आनंद को भोगते हैं सहन नहीं करते ये कि दुखी की महिमा आती है कोई व्यक्ति इतना दुखी हो उसके चरणों में तुम गिरोगे ये तो आनंद के भोगी है मुनि मगर जिन्होंने कहा न मुनि 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 ओ, 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 ओ। ये क्रिया कांड क्रिया कांड क्रिया कांड ये गुरुदेव की ये पुकार थी भगवान आत्मा ये चैतन्य परमात्मा हा हा, हा 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 आ, हा आ, हा ऐसा कहते थे ने इस काल में इस काल में ये सरलता हो गुरुदेव की ये सरलता अरे मुनि थे और मुनि धर्म छोड़ दिया गुरुदेव ने दीक्षा छोड़ दी मुनि धर्म छोड़ दिया दीक्षा छोड़ नहीं दी मायाचार छोड़ दिया जो दुनिया के सामने बताया था कि मैं साधु हूं और ये स्वीकार किया दीक्षा नहीं छोड़ी माया छोड़ दी सरलता प्रकट हुई कि कोई मुझे ये मुनि के रूप में न देखे मैं तो साधारण गृहस्थ हूं ऐसा ये स्वीकार भाव भगवान ऐसा स्वीकार भाव और ये दृष्टि में है कि मुनि का स्वरूप क्या है भावलिंगी मुनि वन में विचरण करते हैं मगर चैतन्य के उपवन में वे विचरण करते हैं बाहर की गुफा में नहीं चैतन्य गुफा में बाहर की गुफा में तो अंधेरा ही अंधेरा है मगर चैतन्य गुफा में तो ज्ञान की ज्योति चलती है ये चैतन्य गुफा ये चैतन्य गुफा भगवान कैसे भी परिस्थिति हो मुनिराज की वह दशा आहार के लिए निकले आहार करने का विकल्प आए हो ऐसे साधक ऐसे ग्रहस्य ऐसे श्रावक इस काल में कहा होंगे जो मुनि को आहार देंगे पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज है तो पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज को आहार दान देने वाले श्रावक भी है श्राविका भी है इसलिए ज्ञान दीपक तुम श्रावक तो हो जाओ तुम श्राविका तो हो जाओ मुनि का स्वरूप तो तुम समझो मुनि चलते चलते राह पर निकलते हैं विहार करते करते निकलते हैं विहार होता है मुनि का मगर ज्ञान का विहार चलता है जानना जानना ये विहार होता है आहार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं पेट को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं मगर पर्याय को द्रव्य का अनुभव होगा अंतरमूर्त में ये जिन्हें पता है हर अंतरमूर्त में आहार के लिए निकले मगर 48 मिनट से पहले तो अंतर मुहूर्त में ही तो स्वरूप में डुबकी लगती है तो पेट को भोजन मिले या न मिले पर्याय को भगवान मिलता ही मिलता है ये क्रिया होती है बाहर की ओ हो हो ऐसा हो भगवान ऐसी दशा ऐसी दशा अरे देह छूट जाएगा पेट में भोजन नहीं होगा बचा लो बचा लो बचा लो शरीर को थोड़ा बचा लो शरीर को बचाओ शरीर को बचाने का मतलब क्या है यही तो प्रयोजन था कि मुनि धर्म अंगीकार जो देवों में नहीं होता और नारकियों में नहीं होता जो मनुष्य में ही होता है और वह हो जाए और फिर ये देह नटके तो उसके लिए क्या भगवान मुनि तो होंगे हे ज्ञान दीपक हे चैतन्य परमात्मा मुनि तो होना मगर मुनि मान करके नहीं क्योंकि मुनि अपने को मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि है मुनि अपने को मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि है क्योंकि मुनि पर्याय है और जो अपने को पर्याय स्वरूप मानता है वह मिथ्या दृष्टि है मुनि मुनि धर्म को ज्ञान में जानते हैं ज्ञान का विषय पर्याय बनती है ज्ञान का विषय पर्याय बने मगर दृष्टि का विषय नहीं ज्ञान का विषय तो लोकालोक बने जो केवल ज्ञान का विषय बनता है ज्ञान का विषय बने मगर दृष्टि में मुनि नहीं है दृष्टि में तो मौन स्वभावी ये मौन से ही तो मुनि शब्द मौन ये मुनि ऐसा हो ऐसा हो हो, हो विकल्प ही नहीं आता हे ज्ञान दीपक हे चैतन्य परमात्मा ऐसी निर्विकल्प अनुभूति भगवान आपको प्रकट हो निरंतर ये तत्व विचार करना उसके लिए निरंतर ऐसी संगति में रहना ऐसे ही संग में रहना बचना ऐसी संगति से भगवान अभी की भूमिका में मैं बार बार कहता हूं बार बार कहता हूं कृपालु देव भी दूर रहे थे परिवारजनों से गुरुदेव भी दूर रहे थे परिवार जनों से ऐसे एक नहीं अनेक 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 बचना काजल की काल कोठरी से एकांत में वास करना यदि अवसर मिलता है तो क्योंकि अनुभूति एकांत में होती है ज्ञान की प्राप्ति भले समूह में हो अनुभूति एकांत में होती है क्योंकि अनुभूति का जो विषय है दृष्टि का जो विषय है वह एकांत का विषय है वह सम्यक एकांत का विषय है वह नई का विषय है, है प्रमाण का नहीं वह परम शुद्ध निश्चय नई का विषय है इसलिए दृष्टि का विषय यह चैतन्य तत्व इसलिए जीव द्रव्य नहीं कहा जीव तत्व कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का यद्यपि द्रव्य भी कह सकते थे मगर द्रव्य है जीव द्रव्य प्रमाण का विषय और जीव तत्व ये परम शुद्ध निश्चय नई का विषय ये दृष्टि का विषय है इसलिए हे भगवान ये दृष्टि का विषय ये गजपनता की भूमि आज भी कोई विचार नहीं था मगर शिविर चलती है तीन दिन के शिविर भगवान हमने रखी है यदि आज सुबह सत्संग करने का विचार होता तो मैं आपको कल बता देता नगर ने। ने ये कोई भाव नहीं था सुबह ऐसा ही ये विचार आया कि आज शाम को तो क्षणिक बोध नित्य बुद्ध इस विषय पर शिविर होगी आज तो अपना चैतन्य तत्व विचार नहीं होगा ने। तो ये विचार आया कि भले ही अचानक ये आपको समाचार देता हूं फिर भी आप सब लोग समय पर आ गए एक बार भी ये अवसर मत गवाना दुनिया के सब काम छोड़ करके एक एक एक-एक-एक चैतन्य चैतन्य से चैतन्य से महान और कुछ भी नहीं ऐसा ऐसा हो भगवान ऐसा सब कुछ ऐसी स्थिति हो सब कुछ छूटे मगर ये चैतन्य तत्व की पुकार ये चैतन्य तत्व की पुकार ऐसा हो वो, वो, वो। चक्रवर्ती की संपदा भी मिलने पर भी वो चक्रवर्ती की संपदा हो और मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये विकल्प ये विकल्प को बेहतर समझना इसलिए क्योंकि यही चैतन्य तत्व विचार परम देव ने जो कहा न औषध विचार ध्यान ये विचार और ध्यान ये औषधि है विचार से साधना का शुभारंभ होता है और ध्यान से साधना पूर्ण होती है अंत नहीं होता पूर्ण होती है फिनिश नहीं होती कंप्लीट होती है पूर्ण होती है पूर्ण का दिन आनंद का दिन हर साल मैं आज के दिन को आनंद का दिन कहता हूं आठ जून का दिन उसको मैं आनंद का दिन कहता हूं इसलिए पूर्ण आनंद इसको कंप्लीट डिजिट कहते हैं मैं जब न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का जब अवॉर्ड मिला था तब मैंने वहां ये बात बताई थी 86 और सिक्सटी और अभी देखो 168 ये मैं नहीं करता मगर तुम उसमें फसना मत मैंने न्यूमरोलॉजी छोड़ दिया मगर पुरानी जो आदत है वो फिर याद थोड़ी थोड़ी आती है ये न्यूमरोलॉजी कल सात जून का दिन था ना उसमें भी तुम्हें वो बताना था मगर याद नहीं आया कुछ साल पहले होता तो याद आता कि सात का छह से गुना करो तो बयालीस ही होता है तुम्हारा ही दिन था 142 ज्ञान दीपकों का दिन था भगवान प्रति समय यह जागृति ये 86, सिक्स एट इंटू एट सिक्सटी फोर सिक्स इंटू सिक्स थर्टी और 64 और 36 मिला मिलाकर के होता है इसलिए 86 और 68 को न्यूमरोलॉजी में डिजिट कहते हैं पूर्ण पूर्ण ये पूर्ण संख्या है और इसलिए मैंने आपको पूर्ण के समय पर बुलाया दस बजकर दस मिनट पर क्योंकि टेन इंटू टेन हंड्रेड और भी कोई टाइम दे सकता था दस दस को एक निर्धारा फिर भी न्यायक आधारी आज भी ये आपका भगवान आपका ही नहीं मेरा क्योंकि ये तो इंटरनेट का कनेक्शन अभी मिल गया छूट जाता तो मेरा तो सत्संग होता मैंने तो पूरी तैयारी की थी कि आपको गजपंथा के शिखर के दर्शन कराओ आज भी दर्शन हो मगर बाहर इतनी धूप थी वो भी मंजूर थी बाहर बैठ गए थे हम धूप में मगर इस कैमरे में कुछ दिखता नहीं था बिल्कुल सफेद सफेद ही दिखता था तो गजपंथा का पहाड़ उसका दर्शन नहीं हो सकता था बहुत धूप थी कैमरे के सामने तो गुरुदेव ने कहा कि वहां बाहर नहीं बैठना है मेरी गोद में आके बैठ जा और जो मैं कहता हूं वो सुना दे तो मैं आप परमात्माओं के सामने गुरुदेव की पुकार लेकर के आया हूं भगवान इसी स्थान पर गजपंथा के इसी प्रवचन हॉल में हमारी 2017 में शिविर हुई थी श्रद्धा शिविर इसी स्थान पर हुई थी ये पावन स्थान ये तीर्थ है मैंने कहा न यही मेरा काशी है यही जेरूसलेम है यही मेरा मक्का है यही मेरा मदीना है तुम जो कहो वो सब यही है ये गजपन था की भूमि बहुत निकट काल में वह दशा आएगी भगवान बहुत निकट काल में वह दशा आएगी 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 मगर तुम तुम मुनि को देखो ने तो मुनि के पास में जाकर के तुम वो बात याद रखना हो मुनि यदि मिले तो कैमरे में फोटो खींचने की झंझट में मत पड़ना ये बच्चों के खेल उस समय मत खेलना ये पहले से कह देता हूं वरना मुनि पर तुमने बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रहार किया उनके मिलने पर भी तुमने उनका सदुपयोग नहीं किया प्रत्यक्ष दर्शनों उनके पास में बैठ करके डुबकी लगाना एक समय का मुनि का दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त बनता है प्रत्यक्ष एक समय का मुनि का दर्शन वो साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन जलती हुई दीपक की ज्योति और सूर्य की तस्वीर सूरज की तस्वीर हो तो भी उससे प्रकाश नहीं मिलेगा सौ दीपक की तस्वीर हो उसके पास तुम्हारे दिए को लेकर के जाओ जलेगा नहीं मगर एक ही दीपक जो जलता प्रत्यक्ष प्रकट साक्षात उसके संपर्क में तुम्हारा दीपक जलेगा उस समय उस रूप को देख करके ही तुम्हें कथानुयोग की, कथान की कहानियां मुझे अब याद नहीं रहती इसलिए वो कहानियां मैं पूरी तो आपको नहीं बताऊ मगर भूतकाल में ऐसी बहुत सी घटनाएं है मुनि के दर्शन मात्र से ही वैराग्य आ जाए मुनि सामने हो और बोले भी नहीं कोई भाषा ना बोले और जीव को समझ में आ जाए यशोधर मुनि ने तो ये नहीं कहा था कि तू तेरे आत्मा में लीन होकर के सम्यक दर्शन पा श्रेणी ये तो नहीं कहा था मगर जब बोध हुआ तो उस दृष्टि का पलटना हुआ कि अब वो दर्शन हुए मुनि के बोलते भी नहीं कौन सी भाषा में उन मुनिराजों ने उपदेश दिया था शेर को तुमने कभी सोचा ही है कि शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुनिराजों ने आकाश में से नीचे उतर करके उपदेश दिया कोई उपदेश नहीं दिया कोई गुजराती हिंदी अंग्रेजी भाषा में उपदेश नहीं दिया सिर्फ मुनिराज का मौन मुनिराज का सामने रूप देख करके शेर को पूर्व का जाति स्मरण हुआ और वो जाति स्मरण हुआ और फिर स्वरूप का तत्व विचार हुआ अंतर्मुख हुआ क्या मुनिराज को शेर की भाषा आती थी नहीं आती थी मगर मैं आपसे यह कहता हूं दर्शन मात्र से मुनिराज की उस मुद्रा को देख करके ही यह अंतर में इसलिए कहता हूं तुम यदि अपनी साधना नहीं कर सकते हो तो ठीक है मगर जिन मुनि की साधना हो रही है उनके बीच में तुम प्रहार करने मत आना कम से कम इतना जरूर करना तुमसे आत्मा की साधना नहीं होती है तो जिनकी साधना होती है उनके बीच में रास्ते का पत्थर मत बनना उन्हें कोई फर्क न पड़ेगा मगर तुम अपनी मलिन वृत्ति और कीचड़ को लेकर के उनके ऊपर उछालने मत जाना वो तो स्वरूप में लीन होंगे उन पर तो कीचड़ उछले तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा मगर तुम्हारी अधोगति होगी यशोधर मुनि तो आत्मा में लीन रहेंगे भले तुम कीचड़ नहीं काला नाग गले में पहनाओ उन्हें कुछ नहीं होगा मगर तुम्हारी अधोगति पक्की हो गई सातवें नरक का बंद हो गया इसलिए मुनि के दर्शन कभी मिले करना मगर इसी भाव से जो पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें कहा गुरुदेव श्री ने हमें जो ये बोध दिया हे ज्ञान दीपक हे चैतन्य परमात्मा इतना जरूर करना इसलिए मैं खास आपसे ये कहता हूं क्योंकि मैंने कहा मेरी आत्म साधना एकांत में आज तक अधिक हुई है व्यर्थ के विख्वाद से मैं बचा हूं मैं परम कृपालु देव का उद्धरण देता हूं मगर मेरा उदाहरण देता हूं वचनामृत का उदाहरण है रेफरेंस है और मेरा उदाहरण है ये मेरा एग्जाम्पल है जितना एकांत में रह करके पर दो टाइम की रोटी तो कहीं से भी मिल जाएगी एक टाइम खा लेंगे भूखे रह लेंगे मगर एकांत एकांत में मैं रहना चाहू ये तो अभी ये अवसर मिल गया आज का ये अंतिम दिन है कल से पता नहीं कहां होगा नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा चैतन्य तत्व विचार होगा नहीं होगा यदि होगा तो कब होगा मैं नहीं जानता मगर कल से फिर मैं अपनी एकांत की यात्रा में जाऊंगा आज ये अंतिम दिन है और ये जितना हो सके आप सत्संग करना कभी चैतन्य तत्व विचार होगा मैं कोशिश भी करूंगा भाव आया इंटरनेट मुझे मिला तो आपके साथ में सत्संग करूं मगर नहीं भी हो तो मेरी मस्ती में रहूंगा इतना जरूर करना कि पीछे भागते भागते डिस्टर्ब करने मत आना डिस्टर्ब मुझे नहीं होगा मगर तुम व्यर्थ के विवाद में पड़ोगे विखवाद में पड़ोगे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा इसलिए इतनी कृपा मुझ पर करना यदि सत्संग कल नहीं हो तो भी तुम निराश मत होना तुम्हें परमात्मा मिला तो मैं सिद्ध मिला सिद्ध मिला तो तीर्थंकर का विरह क्यों खटकेगा भगवान और मैं तो एक साधारण बच्चा हूं आपके सामने हमेशा कहता आया हूं आप मेरे दादा दादी के उम्र के हैं मैं तो आपका बच्चे के रूप में आपके सामने ये सत्य की पुकार लेकर आया हूँ सिर्फ मुझे एकांत में मेरी साधना में बस आगे जाने दे इतना करे बहुत हुआ आप निरंतर चैतन्य विचार करते रहना और पूर्णता को प्राप्त होना आपकी ये ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना मंगलमय हो ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं भगवान आज शाम को हम इस सत्संग के लिए मिलेंगे क्षणिक बोध नित्य बुद्ध शिविर का अंतिम दिन है और जो आत्म जागृति के चौदह वीडियो जो यूट्यूब पर है वो चौदह वीडियो कल यूट्यूब पर पब्लिश हो चुके हैं वो मैं आपको ग्रुप में भिजवाऊंगा एक दिन में वो चौदह वीडियो आपके पास आएंगे इसलिए ये सब सुनते हैं इसलिए कह दू कि वो दिन में ज्यादा चौदह बार पोस्ट आएगी तो एक दिन के लिए आप सब डिस्टर्ब मत होना सहन कर लेना क्योंकि रोज रोज फिर कहीं नेट मिले नहीं मिले इसलिए चौदह वीडियो आज आपको भिजवाए जाएंगे एक मिनट बयालीस सेकंड का है तो वह चैतन्य तत्व विचार में अवेयरनेस स्टोर में वो आपके लिए उपयोगी बनेंगे ये सब चलता रहे मगर फिर भी अंत में आता हूं उस ज्ञान के प्रवाह में व्याप्त ध्रुव चैतन्य सत्ता पर न संयोग में न संयोगी भावों में न तो संयोग संयोगी भावों को जानने वाले ज्ञान के प्रवाह में मैं तो हूं बस अपने में ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ध्रुव चैतन्य सत्ता ध्रुव चैतन्य सत्ता oh